इस वीडियो में डायग्राम क्या बनाऊंगा मैं नाम नहीं बता रहा, आप खुद गैस करना कि मैंने क्या बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टूटा फूटा एच बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे एक गोला लगा देते हैं छोटा सा, और चारों कॉर्नर पे एक एक लगा देते हैं। कुछ आइडिया आया मैं क्या बना रहा हूँ? और यहाँ बीच से एक लाइन ऐसे, मेरे को लग रहा है अब काफ़ी बच्चों को आइडिया आ गया होगा इसको देख कर कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ये ऐसे और ऐसे इधर, कुछ आया समझ में? ये जो दो पॉइंट हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और यहाँ से इधर, और यहाँ ऐसे। अब आपको अच्छी तरह आइडिया आ गया होगा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ, प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। तो इसके अंदर देखो क्या हुआ, ये जो नर्व यहाँ से आ रही है ना, ये इस पॉइंट से यहाँ, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। और ये जो यहाँ से इधर जा रही है यहाँ तक, फिर ध्यान दो, ये यहाँ से इधर, इसको बोलते हैं मोटर नर्व। और ये इसको बोलते हैं इफेक्टर, इफेक्टर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ खेल खेलते हैं ऐसे हाथ करके ऐसे मारते हैं, और फिर जो मोटा सा आता कहते हैं चूहा आ गया, चूहा आ गया। ये जो चूहा है, जो मसल्स होती हैं जो ऐसे करते हैं तो थोड़ा मोटी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टर। और एक रेस होती है जिसमें हाथ के अंदर एक छोटा सा डंडा होता है और वो दौड़कर अपने साथी को देते हैं, फिर वो अपने साथी को देता है, क्या बोलते हैं उस रेस को? रिले रेस। तो यहाँ ऐसे एक डंडा लगा दें तो इसको बोलते हैं रिले, रिले नर्व। अब देखो होता क्या है, यहाँ कोई गर्म चीज़ है, जैसे ही हाथ इसके टच हुआ तो सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेकर जाती है, बजाय ब्रेन के पास मैसेज जाने के कि कोई चीज़ गर्म है। और रिले इसको, मोटर को, रिले का काम है कि यहाँ का मैसेज यहाँ को देना। तो ये क्या करता है, यहाँ का मैसेज यहाँ आया और मोटर नर्व ने इफेक्टर को, मसल को क्या कहा, एकदम अपना हाथ दूर करो, और हम उससे बच जाते हैं। किस चीज़ से? इससे, गर्म चीज़ से। तो ये गर्म चीज़ क्या हुई? स्टीमुलस। इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, गर्म चीज़ क्या हुई? स्टीमुलस। स्टीमुलस किसने लिया? सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व ने किसको मैसेज दिया? रिले, रिले। और रिले ने किसको मैसेज दिया? मोटर, मोटर नर्व। गांव के अंदर मोटर किसको कहते हैं? मोटर गाड़ी, जो चलते फिरती हुई गाड़ी होती है, जो चलने वाली चीज हो। तो मोटर ने क्या किया? चलना, इफेक्टर को मैसेज दिया क्या कि हाथ को दूर करे। तो इफेक्टर ने क्या किया? रेस्पॉन्स। तो वास्तव में ये एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इसलिए कहते हैं कि मैसेज ब्रेन में जाने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और वो जो भी ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं चाहते हैं उससे दूर, हाथ को या जो भी चीज़ है उसको दूर कर लेते। थैंक यू।